गाइज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कोड हेल्पर। तो दोस्तों आपके टेक्नोलॉजी अपडेट्स की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस हफ्ते काफ़ी सारी मेजर अपडेट्स आई हैं और बहुत सारी अपडेट्स के कारण मैं ये वीडियो को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ये पार्ट वन है। तो दोस्तों इस पार्ट वन में हम टॉप 10 अपडेट्स कवर करेंगे लास्ट वीक की। तो दोस्तों सबसे पहली खबर यूट्यूब की तरफ से आ रही है। तो यूट्यूब की वेंसेड और एडवर्टाइजमेंट की तरफ से है कि गूगल ने एक ऐसा अपडेट दिया है कि जिसके थ्रू अगर आप किसी भी ब्राउज़र से या किसी प्लगइन के थ्रू आप एड स्किप करते से वीडियोस की, अब वो नहीं हो पाएगा। अब जब भी वो आप प्लगइन या वो वेब ब्राउज़र यूज़ करेंगे एड स्किप करने के लिए, तो वहाँ पे आपको एक पॉपअप शो करेगा जिसमें वो कहेगा कि आप एड स्किप नहीं कर सकते, आपको ये ऐड देखनी ही पड़ेगी या फिर वीडियो ही नहीं प्ले होगी। वो सेकेंडली वो YouTube आपको कहेगा कि हमारा YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर आपको ऐड फ्री देखना है, वीडियो ऐड फ्री देखनी है। तो ये होगा। तो अब किसी भी तरीके से आप YouTube की जो वीडियो ऐड है, जो वीडियोस में ऐड आती है, आप वो स्किप नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। दोस्तों अगली खबर आ रही है गुरुग्राम से। रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 42 लाख का स्कैम हो गया उसके साथ। तो रिसेंटली क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे उसको एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कराया गया। तो रिसेंट उसको ग्रुप ज्वाइन कराने के बाद धीरे धीरे उससे एक इन्वेस्टमेंट के लिए कहा गया और उससे एक इन्वेस्टमेंट कराएगी 42 लाख की। और उसके बाद उसका रिटर्न, अगर आप उसको रिटर्न चाहिए उसका, तो आपको पहले और अमाउंट जमा करानी पड़ेगी। तो उसको उस टाइम ही शक हो गया था कि शायद वो किसी स्कैम का हिस्सा बन गया है। तो उसने उसी टाइम तुरंत ही पुलिस को रिपोर्ट किया इस स्कैम के बारे में। बट आफ्टर डैट जो उसके पैसे तो वो तो मिल नहीं पाए और जितने भी लोग इस स्कैम से जुड़े हुए थे सब अंडरग्राउंड हो गए हैं। पुलिस वाले इस जितने भी स्कैम में जुड़े हुए लोग हैं उनकी तलाश कर रही है। तो ये नया स्कैम है, नए तरीके से किया गया और टेलीग्राम की इसमें मदद ली गई है। तो आप ऐसे किसी मैसेजेस के थ्रू अगर आपको कोई मैसेज आता है कोई इन्वेस्टमेंट के या किसी भी तरीके से आपसे पैसे मांगे जाते हैं, तो आप इनसे दूर ही रहिए। आप भी किसी चक्कर में ये स्कैम के हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों अगली अपडेट आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। तो रिसेंटली एक यूज़र ने रिपोर्ट किया है कि लेट नाइट को व्हाट्सएप जो है माइक्रोफोन का सेस गेन कर लेता है बिना हमारी परमिशन के। तो जब ये व्हाट्सएप के पास खबर पहुंची तो व्हाट्सएप ने देखा कि ये हमारा तो कोई बग नहीं है, तो उन्होंने एंड्रॉयड को कहा, एंड्रॉयड के ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया कि आप क्या कोई बग होगा, शायद इस वजह से हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने भी, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रिक्टली लेते हुए इसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रॉपरली और बाद में पता चला कि ये एंड्रॉयड का बग था। एक्चुअल में वो माइक्रोफोन का सेस जो गेन हमें देखता शो करता था कि जो व्हाट्सएप है वो माइक्रोफोन का सेस ले रहा है विदाउट आर परमिशन, बट ऐसा कुछ नहीं होता था। वो सिर्फ एक बग था, वो सिर्फ शो कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। क्या दोस्तों, तो दोस्तों अगली खबर आ रही है मेटा कंपनी से। तो दोस्तों रिसेंटली मेटा कंपनी ने माफ़ी मांगी है लोगों से कि रिसेंटली उनके फेसबुक पे एक बग आइडेंटिफाई किया गया जिसमें ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से किसी को भी अननोन पर्सन को रिक्वेस्ट चली जाती है और सामने से जब वो पर्सन एक्सेप्ट करता है तो आपको नोटिफिकेशन आती है। तो आप देखते ही, मैंने तो कोई रिक्वेस्ट भेजी ही नहीं है और ये रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट हो गई है, ये कौन सा पर्सन है, हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तो ये एक तरह का बग था जिसको फेसबुक ने सॉल्व कर दिया। अब तो बग ये रिजॉल्व हो गया है, इसके रिगार्डिंग फेसबुक ने पब्लिकली सबसे माफ़ी भी मांगी है। तो दोस्तों अगली अपडेट आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। दोस्तों जैसे आपको पता ही है कि व्हाट्सएप का जो स्कैम चल रहा है कि +1 नंबर से आपको कॉल आती है और आप
एक स्कैम का हिस्सा बन जाते हो, आपसे काफ़ी पैसे ऐंठे जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अब इंडिया में, तो इसे देखते हुए गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को स्ट्रिक्टली नोटिस दिया है कि इसके रिगार्डिंग आप कुछ सॉल्यूशन निकालिए और जो ये स्कैम्स हो रहे हैं उसको कम करने की कोशिश कीजिए। तो यही अपडेट है, अब व्हाट्सएप इस पर देखते हैं क्या एक्शन लेता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला भी अपडेट व्हाट्सएप की तरफ से है, ये फीचर अपडेट है। आपको पता है आए दिन व्हाट्सएप कोई ना कोई अपडेट्स दे ही रहा है, अपने फीचर्स अपडेट्स काफ़ी दे रहा है, तो क्योंकि टक्कर में अब टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम भी काफ़ी कुछ नई फीचर्स ला रहा है, तो उसे देखते हुए व्हाट्सएप अब और तेज़ी से और स्पीड से नए नए फीचर्स हर वीकली इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो इस बार व्हाट्सएप की तरफ से जो फीचर है वो है चैट लॉक का फीचर। तो बेसिकली ये चैट लॉक फीचर का है क्या असल में, तो बेसिकली जो ये चैट लॉक फीचर है इसमें आप किसी भी इंडिविजुअल के चैट जो होती है, जैसे कि बेसिकली आप किसी से मैसेजिंग से आप बात करते हो व्हाट्सएप पे, तो वो जो चैट हो रही है एक किसी पर्सन से, आप उस चैट को लॉक कर सकते हैं और वो कोई भी यूज़र, कोई और आपका फ़ोन कोई एक्सेस करता है, कोई यूज़ करता है, तो वो चैट ओपन ही नहीं कर सकता, उस पर एक लॉक लग जाता है बिना आपके पासवर्ड से या आपका फिंगरप्रिंट। आजकल लोग यूज़ करते हैं पासवर्ड, फिंगरप्रिंट या फेस डिटेक्शन, वो इस तरह का लॉक सिस्टम है, वो लग जाता है बिना उससे। समझ लीजिए एक तरह का यही है कि जैसे हम व्हाट्सएप पे भी लॉक होता है, वो ओपन करते हैं अपना फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक से, उसके बाद किसी भी पर्टिकुलर चैट पे अगर अब वो अब इम्प्लीमेंट कर दिया जाए वो फीचर, तो उसके लिए भी आपको जो फ़ोन जिसका है उसकी परमिशन चाहिए होगी उस चैट को ओपन करने के लिए। बेसिकली यही है, उसको फिंगरप्रिंट या फिर आप फेस लॉक से ही ओपन कर सकते हैं उस चैट को, तो काफ़ी अच्छा फीचर है। दोस्तों अगली खबर आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो रिसेंटली देखा गया कि जो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ है वो iOS के साथ काफ़ी अच्छी तरह कंपैटिबल नहीं हो पा रही थी, काफ़ी डिफ़िकल्टी लोगों को लग रही थी अपना फ़ोन कनेक्ट करने में, कि फ़ोन का डाटा अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो विंडोज़ के साथ ये बहुत इशू हो रहा था। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने एक नया अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, फ़ोन लिंक। तो दोस्तों ये जो फ़ोन लिंक सॉफ्टवेयर है ये विंडोज़ 11 में प्री इंस्टॉल्ड आता है, अगर आपके नहीं है अपडेट करने का तो आपके विंडोज़ 11 में नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपका इजीली फ़ोन जो आपका iOS डिवाइस है, आईफोन है या कोई भी iOS डिवाइस है, एप्पल का कोई भी डिवाइस है, वो इजीली कनेक्ट हो पाएगा, और जो ये कनेक्टिविटी है iOS की विंडोज़ के साथ वो बहुत ही इजीली हो जाएगी, इजी वे में हो जाएगी, और आप इजीली अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं कभी भी। तो दोस्तों अगली खबर आ रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया वेब पोर्टल ओपन किया है जिसका नाम है संचार साथी। तो दोस्तों इस वेब पोर्टल के थ्रू आप अपना जो कोई फ़ोन आपका लॉस्ट होता है तो उसके रिगार्डिंग आप कंप्लेंट लिखा सकते हैं वहाँ पे, सिम ब्लॉक करा सकते हैं और अपने फ़ोन को ट्रैक करने में गवर्नमेंट आपकी मदद कर सकती है इस वेबसाइट के थ्रू, इस पोर्टल के थ्रू। तो आप यहाँ जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि मेरा फ़ोन लॉस्ट हो गया है, आप अपना सिम को ब्लॉक करा सकते हैं और फ़ोन अपना ट्रैक करने में गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी और आपका फ़ोन ढूंढने में बहुत ही आसानी होगी। तो जो ये वेब पोर्टल है ये 17 मई को लॉन्च कर दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और ये बहुत ही अच्छा पोर्टल है। तो इस पोर्टल के आने से लोगों को बहुत ही ईजी हो जाएगा अपना लॉस्ट फ़ोन ढूंढने में और सिम को ब्लॉक कराने में। ठीक है दोस्तों अगली खबर आ रही है गूगल की तरफ से। दोस्तों रिसेंटली अपने IO इवेंट में गूगल ने अपना फोल्डेबल फ़ोन इंट्रोड्यूस कराया था, लोगों को दिखाया था और कुछ कंट्रीज़ में ये लॉन्च भी हो गया था, बट ऐसी न्यूज़ आ रही है कि ये अब
इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, तो देखते हैं ये र्यूमर है या सच्ची में इंडिया में ये लॉन्च नहीं होगा। क्या दोस्तों, अब अगली खबर आ रही है लावा की तरफ से। तो दोस्तों जैसे आपको पता ही होगा, लावा ने एक अपना नया स्मार्टफोन की सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है अग्नि। तो दोस्तों ये अग्नि का जो अग्नि वन आया था वो काफ़ी अच्छा सेट था, काफ़ी इनोवेटिव था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लावा कंपनी ने रिसेंटली अपना सेकंड मॉडल लावा अग्नि 2 लॉन्च कर दिया है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ़ोन है और इंडियन मेड फ़ोन है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों ये थी इस वीक की टॉप 10 अपडेट्स। अभी इसमें और भी कई अपडेट्स हैं जो कवर करनी ज़रूरी है, और इसलिए वीडियो लंबी हो रही थी, तो इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें बाकी की और मेजर 10 अपडेट्स कवर अप करूँगा मैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।